हेलो दोस्तों दोस्तों क्या आप लोग भी यही बिलीफ रखते हो कि आप अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही यूज़ करते हो? अगर हाँ तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको इसी बिलीव के ऊपर एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपकी ये थिंकिंग को चेंज करके रख देगी। साल 2013 में एक सर्वे हुआ था जिसमें यह पता चला था कि 65% अमेरिकन्स ये बिलीव रखते हैं कि वो सिर्फ अपने दिमाग का 10% ही यूज़ करते हैं। लेकिन बाद में ये बिलीव पूरी दुनिया में फैल गया और आज लगभग हर इंसान यही बिलीव करता है। तो क्या ये बात सच है या फिर एक मिथ ही है? चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और पास वाले बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुँच जाएँ, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक और मज़ेदार वीडियो को जो आपके होश उड़ाकर रख देगी। अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट साइंटिस्ट बैरी जॉर्डन ने यह बताया था कि हम अपने दिमाग का अधिकांश हिस्सा यूज़ करते हैं, मतलब मेजॉरिटी पार्ट ऑफ आवर ब्रेन वी यूज, मतलब कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही नहीं यूज करते। इसका मतलब यह हुआ कि वो सिर्फ एक मिथ है कि हम अपने दिमाग को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं। और दोस्तों क्या आपको पता है कि एक सर्वे में यह पता चला था कि इंसान का दिमाग तब भी मेजॉरिटी पार्ट यूज़ करता है जब वो कोई सरल सा काम कर रहा हो, मतलब कोई काम जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली हो सकता है, उस काम को करने में भी दिमाग अपना बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी पार्ट यूज़ करता है ताकि वो काम अच्छे से हो सके। मतलब 10% यूज़ वाली बात तो हर तरीके से बेकार हो गई। तो दोस्तों ये फिर 10% वाली मिथ इतनी ज़्यादा कैसे फैल गई और ये कहाँ से शुरू हुई, चलिए जानते हैं इसके बारे में भी कुछ। दोस्तों 10% मिथ वाली ये कहानी पता नहीं कहाँ से शुरू हुई और इतनी ज़्यादा कैसे फैल गई, लेकिन हाँ कुछ पॉसिबल रीजंस ज़रूर हैं जो कि ये बताते हैं कि ये कहानी क्या है, आखिर इसके पीछे की सच्चाई है क्या। 1907 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसके एक एडिशन में जनरल साइंस साइकोलॉजिस्ट और ऑथर विलियम जेम्स ने ये बात कही थी कि ह्यूमन यूज़ ओनली पार्ट ऑफ देयर मेंटल रिसोर्सेज, लेकिन उन्होंने कोई भी परसेंटेज डिस्क्राइब नहीं की थी। उनका कहना था कि ह्यूमन अपने दिमाग का रिसोर्सेज के लिए यूज़ करता है, लेकिन कितने परसेंट यूज़ करता है ये बात उन्होंने नहीं कही थी। और दोस्तों यही बात डेल कार्निंगेस की एक बुक जो कि 1936 में पब्लिश हुई थी जिसका नाम था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उन्होंने इस बात को, इसी मिथ को अपनी बुक में डिस्क्राइब किया था, क्योंकि ऑर्थर के जो कॉलेज के प्रोफेसर थे जो कि उन्हें ये सब बात बताते थे वो ये बात कहा करते थे कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही यूज़ करते हैं, इसीलिए उन्होंने इस बात को अपनी बुक में भी पब्लिश कर दिया। तो दोस्तों यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 10% वाली मिथ इतनी ज़्यादा फेमस हो गई और आज हर लोग इस बात को मानते हैं कि हम लोग अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल नहीं करते। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लाता रहता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और इसे जहाँ तक हो सके शेयर करना ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके और वो भी अपने नज़रिए को बदल सके।